सीमा की उम्र यही कोई 20-22 साल होगी। उसके माता पिता का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था। इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला अब कोई नहीं था। सीमा को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता उसे कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने सीमा की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर उनकी अचानक हुई मौत से सीमा के सारे सपने बिखरने लगे थे। सीमा ने जैसे कैसे करके घर में बची हुई जमा पूंजी से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। सीमा कलेक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, परंतु पैसे की समस्या सामने खड़ी थी। पर सीमा ने भी हार नहीं मानी। अपने कलेक्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने किसी के घर पे खाना बनाने और बर्तन मांजने की नौकरी कर ली। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, अरे रश्मि, तुम इतनी पढ़ी लिखी होके और ग्रेजुएट होके किसी के घर में बर्तन मांजने का काम करती हो? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और फिर मैं ये काम अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रही हूँ। सीमा दिन भर जी तोड़ मेहनत करती और शाम को घर आकर पढ़ाई करती। सीमा जहाँ काम करती थी वो उसके घर से 5 मील की दूरी पर था। सीमा पैदल ही घर आती, उसे काफी देर हो जाती और घर आकर वह दिल लगाकर पढ़ाई करती। थकान के कारण उसे कब नींद आ जाती उसे पता ही नहीं चलता था। इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उसके पास इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जिससे वह अपने एग्जाम की तैयारी के लिए किताबें खरीद सके। कोचिंग करना तो बहुत दूर की बात थी। जिस घर में सीमा काम करती थी उस घर का बेटा सुमित भी UPSC की तैयारी कर रहा था। एक दिन काम करते हुए उसने अपने मालकिन से पूछा, माँ जी, क्या सुमित भैया भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तुझे उससे क्या, तू अपना काम कर। बड़ी आई पूछताछ करने वाली कि कौन क्या कर रहा है। मालकिन की बातें सुन सीमा ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने की तैयारी करने लगी। तब उसकी मालकिन ने उसे रुकते हुए कहा, कल जरा जल्दी आना, कुछ मेहमान आने वाले हैं घर, उनका खाना बनाना है। तेरे जो भी पैसे लगेंगे मैं तुझे दे दूंगी। सीमा ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। सीमा ने अपने मालकिन से पैसे के बदले UPSC की पुरानी किताबें मांगी जो उसके बेटे सुमित के पास थी। तभी सुमित वहां आ जाता है और वो सीमा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू कलेक्टर बनेगी। सुमित सीमा को बहुत बुरा भला कहता है और उसे उसकी औकात में रहने के लिए कहता है। तुझे पता भी है कि UPSC क्या चीज है? अच्छा अच्छा, को नानी याद आ जाती है। नानी, तेरे जैसे कलेक्टर बनने लग गए तो हो गया देश का उद्धार। सुमित की माँ भी जोरों से हंसने लगती है। सीमा दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। चाहे कोई कितना भी मजाक उड़ा ले मेरा, मैं तो अपने सपने को पूरा करके ही दम लूंगी। आज से मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगी और चैन से उसी दिन सोऊंगी जिस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। उस दिन से सीमा रोजाना 10 घंटे पढ़ने लगी। सीमा के हौसले बुलंद थे, परंतु अभी भी किताबों की समस्या पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन वो फिर काम पर गई। उसने वहाँ सभी मेहमानों का खाना बनाया और उसके बाद अपने मालकिन के पास गई और बोली, माँ जी, सारा काम हो गया, आपने कहा था आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगी, अगर कुछ पैसे मिल जाए तो मैं उनसे किताब खरीद लूंगी। मालकिन का सारा काम हो चुका था। उसके मन में चालाकी आई। उसने सीमा से कहा, अरे तुझे सुमित की किताबें ही चाहिए ना, तो लेकर जा, उन्हें पढ़ कर वापस कर देना। सीमा को यही तो चाहिए था। उसने तुरंत हामी भर दी। उसने अपने बेटे सुमित को सीमा को अपनी पुरानी किताबें देने को कहा जिसे वह कुछ दिनों में पढ़कर लौटा देगी। माँ के कहने पर सुमित ने कुछ किताबें सीमा को लाकर दे दी। अब तो जैसे ये सिलसिला ही चल पड़ा। मालकिन सीमा से मनचाहे काम कराती और बदले में उसे कुछ किताबें दे देती। मालकिन को इसमें अपना फायदा नजर आता था, लेकिन उधर सीमा को किताबें मिलने से उसमें एक नया जोश भर गया था। अब वह दुगने उत्साह से अपनी तैयारी करने लगी। एक दिन जब सीमा काम कर रही थी तो उसकी मालकिन ने आकर पूछा, क्यों सीमा, कैसी पढ़ाई चल रही तेरी, अब तो तुझे किताबें भी मिल गई हैं। सीमा कुछ बोलती इससे पहले ही सुमित वहाँ आ गया और उसका फिर से मजाक उड़ाने लगा। दिन भर तो ये यहाँ रहती है, पढ़ाई क्या खाक करेगी। क्यों सीमा, तुझे पता भी है इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं? हाँ भैया, मुझे पता है कि इसमें कितने पेपर होते हैं, मेरी तैयारी दोनों पेपरों के लिए पूरी है। तभी सीमा ने सुमित से UPSC का एक सवाल पूछा। सुमित की हवाइयाँ उड़ने लगी क्योंकि उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। क्या हुआ भैया, यह तो एक मामूली सा सवाल है, आपको इसका जवाब नहीं पता क्या? सुमित कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। आज सीमा ने अपनी सारी बेइज्जतियों का जवाब एक झटके में दे दिया था। सीमा पूरी लगन से अपनी तैयारी करती रही। उसने अपना पूरा सिलेबस परीक्षा से 2 महीने पहले ही खत्म कर लिया था।
निश्चित समय पर परीक्षाएं हुई और सीमा ने आसानी से अपना प्री एग्जाम निकाल लिया। दूसरी तरफ सुमित अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी पास नहीं हो पाया। सीमा ने सोचा कि जब तक वह इंटरव्यू में पास नहीं हो जाती तब तक वह अपनी सफलता के बारे में किसी को नहीं बताएगी। इस तरह लगातार परिश्रम करते करते सीमा ने मेंस की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले उसकी मालकिन ने अपने बेटे सुमित के जन्मदिन पर काम पे आने के लिए उसे कहा। लेकिन मालकिन, कल तो मेरा आना मुश्किल है, कल मेरी आखिरी परीक्षा है। हाँ बढ़िया ही परीक्षा वाली, जितना कहा है उतना कर। अगर तू कल यहाँ नहीं आई तो तुझे दोबारा यहाँ घुसने नहीं दूंगी। सीमा ने मालकिन की बात नहीं मानी और निश्चित समय पर इंटरव्यू देने चली गई। मालकिन ने उसी दिन दूसरी नौकरानी रख ली। आने दो उसको, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी याद रखेगी। मगर उस दिन के बाद सीमा उस घर में दोबारा कभी नहीं गई। उसके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। इधर मालकिन उसे खरी खोटी सुनाने का इंतजार करती रही, दूसरी तरफ यूपीएससी का परिणाम आ गया। सीमा ने यह परीक्षा पास ही नहीं की थी बल्कि वह टॉप रैंक में भी आई थी। शहर के सारे अखबार उसकी कामयाबी के किस्सों से भरे थे। सुमित और उसकी माँ ने जब अखबार के पहले पन्ने पर सीमा और उसके बारे में प्रशंसा देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कल तक उनके घर में काम करने वाली लड़की ने आज वह मुकाम हासिल किया था कि सुमित और उसकी माँ जैसे लोग उसके आस पास भी नहीं फटक सकते थे। आज सीमा बहुत खुश थी। आज उसकी सफलता ने न सिर्फ उसका, उसके पिता का भी सपना पूरा किया था और सुमित और उसकी माँ जैसे लोगों के मुंह पर ताले भी लगा दिए थे जो किसी की हैसियत देखकर उनके दिमाग का अंदाजा लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।